असल माई नेम रिज़वान चीमा वेलकम बैक विद अनदर वीडियो दिस वीडियो इज़ अबाउट लाहौर स्मार्ट सिटी और इस वीडियो में एक्सप्लन करने की कोशिश करूंगा जो लाहौर स्मार्ट सिटी की सबसे ज़्यादा अभी बड़ी अपडेट आई है रिगार्डिंग द अंडर पास ऑन एन एच फोटी फाइव जी टी रोड और इस अंडरपास के साथ लाहौर स्मार्ट सिटी को भी डायरेक्ट एक्सेस अवेलेबल नहीं है फ्राम एनी मेजर पब्लिक रोड इस लेटर के आउट होने के बाद यानी कि इस लेटर के पब्लिक होने के बाद आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि लाहौर स्मार्ट सिटी जिस स्पेस से काम कर रहा है इनिशियली फेबररी मार्च 2021 में जब लेस देन 45 डेज में इसका एन हासिल किया गया था तो उसके बाद इस रेलवे लाइन की बात आती थी कि रेलवे लाइन की क्या इसके साथ जे रोड को एक्सेस दी जाएगी या नहीं तो अब उसका ऑफिशियल अप्रूवल आ गया प्लस इस पर कंस्ट्रक्शन के काम का आगाज़ हो गया है मैं वो पिक्चर्स भी शेयर कर दूँगा प्लस सबसे पहले मैं आपको लेटर एक्सप्लेन करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से जो लेटर आउट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री रेलवेज की तरफ से जो लेटर इशू किया गया लाहौर स्मार्ट सिटी को ऑन द एक्सेस ऑफ जी टी रोड वाइयापास तो उसके हवाले से जो लेटर अप्रूवल का है वो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको ये जून ट्वेंटी वन का लेटर है और इसमें uh, जो जिसको एड्रेस किया गया, गया ये लेटर द डिप्टी चीफ इंजीनियर ब्रिजेज पाकिस्तान रेलवेज लाहौर कंस्ट्रक्शन ऑफ टू इंटू थर्टी टू आर सी सी अंडर पास एट किलोमीटर वन टू थ्री फाइव डैश स्लैश नाइन डॉट वन बिटवीन शादराबाग एंड कालाशा काकू स्टेशन लाहौर लाला मूसा सेक्शन योर लेटर नंबर इज सिक्स थ्री फाइव डैश डब्ल्यू स्लेश वन नाइन वन स्लेश टू जीरो टू जीरो लाहौर डब्ल्यू स्लैश डब्ल्यू डैश फोर डेटेड ट्वेंटी फाइव जीरो फाइव ट्वेंटी वन अब ये लेटर जो है इसमें जो पूरा आपको लेटर एक्सप्लेन करने का मकसद है वो बेसिकली एक पॉइंट है बेसिकली ये जो पॉइंट है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ बाकी एंड पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं हाईलाइट कर दूंगा डिविजनल डिविजनल ट्रेसिंग प्लान बी नंबर बी नंबर बी डॉट सिक्स डबल टू डाइट लाहौर एल एल एम टू जीरो टू वन लाहौर बेरिंग हेडकॉर्टर बी प्लान नंबर जीरो वन जीरो टू ये सारा ऑफिशियल वर्क है बाकी इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि द वर्क ऑफ लेइंग डाइवर्जेंस विल बी कैरिड आउट अंडर अ स्पीड रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्टॉप डेट एंड टेन किलोमीटर पर आर एंड ओपन ऑन द सेफ्टी सर्टिफिकेट ऑफ द डिविजनल इंजीनियर कंसर्न ये जो पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि लाहौर स्मार्ट सिटी में अभी जो साइट पर जब अंडरपास की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी जिसका पहला स्टेप ये होगा कि लाहौर स्मार्ट सिटी की इंतजामियां एक अंडरपास के लिए प्रॉपर एक अंडरपास कंस्ट्रक्ट करने के लिए प्रॉपर एक सेफ्टी डायवर्जन यानी जो रेलवे लाइन है उसको एक सेफ्टी डायवर्जन देगी जहाँ पे स्पीड आके टेन किलोमीटर पर आर हो जाएगी और उस जगह पे जो ट्रेन मूव करेगी वो इन स्लो स्पीड पे मूव करेगी ताकि साइड बाय साइड जो कंस्ट्रक्शन है वो अपना काम का आगाज हो सके और साइड बाय साइड रेलवे के जो ऑपरेशंस हैं वो भी स्टॉप ना हो तो ये जो पहला पॉइंट है इसका मकसद सिर्फ यही है जिसमें बाकी चीजें लिखी हुई हैं मैं एक्सप्लेन करता हूं द ओपनिंग मैसेज ऑफ द सेफ्टी सर्टिफिकेट विल रिगार्ड टू द ऑफ द वर्क विल बी सबमिटेड टू द इंस्पेक्टरेट इमीडिएटली एंड ऑन ओपनिंग ऑफ द वर्क स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन इन पैरा ट्वेंटी वे ऑफ वर्क मैनुअलटीन सिक्सटी नाइन रिकवरी ऑफ पाकिस्तान रेलवे ड्यूज साइनिंग एग्रीमेंट विद द विदॉन्सरिंग एजेंसी शेल बी इंश्योर्ड बिटवीन अलाउ बिफोर अलाउंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क एज पर साइड अप्रूव प्लान बेसिकली जो जून ट्वेंटी वन में इसके लेटर का अप्रूवल आया था और इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की जा रही है अक्टूबर ट्वेंटी वन में तो ये चार पाँच महीने का टाइम फ्रेम था इसमें सारी जो इंश्योरेंस थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को लाहौर स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट की तरफ से जो दिलवाई गई थी उसके हवाले से बताया गया है, और यह सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद अब लाहौर स्मार्ट सिटी का प्रॉपर अंडरपास कंस्ट्रक्शन पर काम स्टार्ट हुआ है होप अगले छः महीने से एक साल के दौरान यह कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट हो हो जाएगी जिन मेंबर्स के भी स्मार्ट लाहौर स्मार्ट सिटी में प्लॉट हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं मैं ये जो लेटर की कॉपी है उनको शेयर कर दूंगा इस वक्त में स्क्रीन पे जो कुछ इमेज़ेस देख सकते हैं ये रेलवे लाइन की डाइवर्जन है जिसको बनाया गया है लाहौर स्मार्ट सिटी इंतजामिया की तरफ से जिसकी सबसे बेसिक फ़ायदा ये होगा कि जो भी रेलवे लाइन यहाँ से गुजरेगी जो ट्रेन यहाँ से गुजरेगी 10 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे उसको प्रॉपर एक सेपरेट रूट दिया जाएगा टिल द टाइम ये अंडर पास नहीं होता उसके साथ साथ जो ड्रोन की फुटेज आप देख रहे हैं ये वो एग्जैक्ट स्लॉट है जहाँ पर रेलवे लाइन का प्रॉपर अंडर बनेगा जो डायरेक्ट कनेक्ट करेगा नेशनल हाईवे फोर्टी से जो लाहौर स्मार्ट सिटी की एक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी इससे होगा ये कि लाहौर

रोड जो है लाहौर स्मार्ट की लोकेशन को जो खास चीज़ बनाती है एक तरफ इसके जीटी रोड की एक्सेस है एक तरफ इसके एम इलेवन लाहौर सियालकोट मोटरवे की एक्सेस है सामने लाहौर बाईपास है जो डायरेक्टली रिंग रोड से कनेक्ट करता है एंड थर्ड इसके जो लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे एम टू है वो हार्डली टू किलोमीटर के डिस्टेंस पर टू से तो थ्री तो किलोमीटर के डिस्टेंस पर है मुझे एक्जैक्ट नंबर नहीं पता बट अ वेरी क्लोज अप्रॉसिमिटी यहाँ से फ़ायदा होगा लाहौर स्मार्ट सिटी की साइड को कि लाहौर स्मार्ट सिटी लोकेशन वाइज लाहौर की कंपेरिजन में जो अंदर सोसाइटीज़ हैं लाहौर के काफ़ी ज़्यादा अच्छी सोसाइटी बन जाती है इन टर्म्स ऑफ लोकेशन तो इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा वो ये होगा कि इसमें आपको जो प्राइसेस होंगे जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंबर्स बाय कर रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बड़े जंप्स देखने के मिलेंगे टाइम टू टाइम पहले ये अंडरपास के बाद काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस में जंप आएंगे सेकंड इज जब लाहौर बाईपास ये रिंग रोड पे जब इंटरचेंज बनेगा या लाहौर सयालकोट मोटरवे पर तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़े जंप्स इसकी रियल इस्टेट वैल्यू में इस जगह की आएंगे ये वो पॉइंट है जहाँ पे लाहौर स्मार्ट सिटी का अपना अंडरपास बनाया जाएगा जिस पे कंस्ट्रक्शन के काम का आगाज़ कर दिया गया है और ये एन एच फोर्टी फाइव से ये जी टी रोड है और जी टी रोड से डायरेक्टली इस यहाँ पे कारपेटेड रोड बनाया जाएगा जिसकी वेथ होगी वन एटी फीट और ये रोड डायरेक्टली लिंक करेगा इस पॉइंट से अब यहाँ पे इस ये जगह गूगल गूगल्थ की लोकेशन कुछ अपडेटेड नहीं है ये इमेजेस बट ये जगह इस रोड की कारपेटिंग हो गई है और आप ग्रेड लाइन से काफी हद तक अंदाजा हो रहा होगा कि अभी यहाँ पे ऑटोमेटिकली साइट पे आपको मशीनरी की बल्कि कुछ सेटलाइट इमेजेस नज़र आ रही हैं यहाँ पे साइट ऑफिस भी बन चुका है जो इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने कुछ इमेज फुटेज शेयर की थी तो ये वो पॉइंट है जहाँ से एक डायरेक्ट एक्सेस लाहौर स्मार्ट सिटी को रिंग रोड से सॉरी नेशनल हाईवे फोर्टी फाइव जी टी रोड से मिल जाएगी तो इसके बाद लाहौर स्मार्ट सिटी अपने लिहाज से लोकेशन वाइज सबसे प्राइम प्रोजेक्ट बन जाएगा वेलव्यूज दिस इट फ्रॉम टुडे। अगर आपको लाहौर स्मार्टी या कैपिटल स्मार्टी टी में बुकिंग के बारे से कुछ मालूमा चाहिए तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है प्लस नाइन टू थ्री फोर फाइव डबल नाइन डबल नाइन डबल एट वन अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए हाफिज़